एक मृत सहेली ने जिंदा सहेली को बुला लिया। यह घटना बड़ौदा शहर की है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता और मेरी खास सहेलियां भी थी, जिनका नाम रीता और सुनीता था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती। एक दिन की बात है, जब रीता की शादी तय हो गई, सभी सहेलियों को बोला कि तुम सब मेरी शादी में जरूर आना। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रीता सजी संवरी बैठी थी, उसको तो बारात आने का ही इंतजार था। और होता भी क्यों नहीं भाई, उसका तो राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल था। हम लोग भी नाच गा रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आ ही गई, रीता शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात को दूल्हा देखा, खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन सुनीता अपने घर जा रही थी, तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह गाड़ी से टकराए और उसका का सिर पट गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। 4-5 महीना बीतने के बाद जब रीता ने सुनीता को फोन किया तो उसके हाथ पांव सुन पड़ गए, क्योंकि वह फोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी मां ने उठाया था और वह सारी बातें रीता को बता दी। तब मानो रीता के पांव से जमीन ही खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगी और यह बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 2-3 साल बीतने के बाद रीता को सुनीता रात में दिखाई देने लगी और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आ जाओ, अकेले नहीं रहा जाता। और रीता डर गई, लेकिन सुबह होने पर उसने यह भी बात सबको बताई, लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और रीता मानो पागल सी हो रही थी। उसको कुछ पता नहीं चलता कि वह क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीता को उसके घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा उसे उसके मायके छोड़ आओ। रीता अपने घर चली गई, लेकिन रीता वही अपने मायके में भी करना चालू कर दिया। उसकी यह हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं और देखते हैं कि पंडित क्या बोलते हैं। उसके पिता सोच ही रहे थे। दूसरे दिन दोपहर हो गई, रीता ने फिर भी अपना दरवाजा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज मारने लग गए, दरवाजा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज जरूर करूंगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। वहां का दृश्य देखकर वह बेहोश हो गए। उनके पीछे उनकी पत्नी भी गई तो देखा कि रीता पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वह मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। आज उसकी सहेली सुनीता उसे बुला ही लिया। आखिर सुनीता मेरी बेटी को लेकर चली ही गई।